मेरी तरफ से सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको मगरबी एशिया में वाके अरब सल्तनत की एक इस्लामी रियासत कुवैत की सैर के साथ साथ और भी बहुत सी दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात फराहम करने वाले हैं। मगर वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मालूमती वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें। कुवैत, जिसका मुकम्मल नाम दौलत अल कुवैत है, 17,818 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। यह मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 152वां बड़ा मुल्क है। 6 मुख्तलिफ सूबों पर मुश्तमिल ये मुल्क 43,48,395 अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 140वां बड़ा मुल्क है। आपके इल्म में मजीद इजाफे के लिए बताता चलूं कि 43 लाख की आबादी में सिर्फ 28 से 30% लोग ही कुवैत के असली शहरी हैं, जबकि बाकी के 70% लोग पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के अलग अलग ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि 43 लाख में से सिर्फ 13 लाख कुवैती हैं, जबकि बाकी 29 लाख लोग दूसरे ममालिक से आए हुए हैं। कुवैत के अगर महल वकूक की बात की जाए तो कुवैत के शुमाल मगरब में इराक, जनूब में सऊदी अरब और मशरक में खलीज फारस वाक़ है। कुवैत सिटी को कुवैत का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ कुवैत का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज हासिल है। कुवैत ने 1962 तक 19 जून को अपना नेशनल डे मनाया, लेकिन गर्म मौसम की वजह से 1963 में इसे चेंज करके 25 फरवरी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि 25 फरवरी शेख अब्दुल्ला का सालगिरह का दिन था, जो कि 1950 में कुवैत के पहले बादशाह मुकर्रर हुए थे। कुवैती लोगों का मजहब इस्लाम है, जबकि बाहर से आए हुए 64% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, बाकी 26% लोग ईसाई और 10% लोग हिंदू और बुद्ध मत मजहब के मानने वाले हैं। कुवैत में रमजान के महीने में पब्लिक प्लेसेस पर खाना पीना, ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना और डांस करना सख्ती से ममनू है, और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले पर सख्त कानून लागू है। इसके अलावा कुवैत में शराब बेचने और पीने पर भी पाबंदी आयद है। कुवैत सबसे ज्यादा तेल के जखायर रखने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और यहाँ की 95% से ज्यादा इनकम तेल से ही हासिल की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक कुवैत में 10 अरब टन के लगभग तेल के जखायर मौजूद हैं, जो कि दुनिया के कुल जखायर का 15% बनते हैं। ऊंट कुवैत का कौमी जानवर है, और ऊंटों की रेस कुवैत के लोग बड़े शौक से देखते और करवाते हैं। पहले जमाने में 2 और 3 साल के छोटे बच्चों को ऊंट पर बिठाकर रेस करवाई जाती थी। ये बच्चे पाकिस्तान और सूडान से स्मगल किए जाते थे, क्योंकि ये खतरनाक काम था, इसमें बच्चों की अमवात भी हो जाती थी, लिहाजा 2006 से ऊंट रेस रोबोट के जरिए मुतारफ करवाई गई है। फुटबॉल कुवैत का कौमी खेल, जबकि बाज कुवैत का कौमी परिंदा है, और यह कुवैत में हर जगह पाया जाता है। कुवैत में कुदरती पानी का कोई जखीरा मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर समुद्री पानी को फिल्ट्रेशन के अमल से गुजार कर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। कुवैत में दुनिया का 23वें नंबर का बुलंद तरीन टावर भी मौजूद है, जिसको मुकम्मल करने में 6 साल लग गए थे, और 80 फ्लोर वाले इस टावर की लंबाई 414 मीटर है। कुवैत के शहरी बहुत बड़ी तादाद में अवामी और सरकारी अदारों में मुलाजमत कर रहे हैं, जबकि दूसरे मुल्कों से आने वाले 80% लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी ही करते हैं। कहने का मकसद ये है कि कुवैत में सरकारी नौकरियां सिर्फ कुवैती लोगों को ही मिलती हैं। कुवैत में 141 मर्दों के मुकाबले में सिर्फ 100 औरतें पाई जाती हैं, मतलब ये कि यहाँ पर मर्दों की तादाद औरतों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। कुवैत में छोटी गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है, ये कहना भी बेजाना होगा कि कुवैत में हर आदमी के पास अपनी गाड़ी है, इसीलिए कुवैत में ट्रेन का निजाम अभी भी मौजूद नहीं है। अप्रैल 2006 में पहली बार कुवैती खवातीन ने अपना वोट कास्ट किया, जब हुकूमत ने खवातीन के हकूक पर पाबंदी आयद कर दी थी। कुवैत के ज्यादा रकबे पर रेगिस्तान है, जबकि सिर्फ 1% ही रकबा ज़राअत के काबिल है। यही वजह है कि कुवैती हुकूमत अपने काश्तकारों को फसलें उगाने के लिए बहुत सपोर्ट करती है,
और उन्हें कर्जे भी फराहम करती है। समुंदर के किनारे और रेगिस्तान होने की वजह से कुवैत दुनिया का गर्म तरीन मुल्क है। यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। कुवैत की करेंसी को कुवैती दिनार कहा जाता है। इनका एक दिनार पाकिस्तानी 386.22 रुपयों के बराबर है। इन सब के साथ साथ ये दुनिया का महंगा तरीन करेंसी नोट भी है। कुवैत का लिटरेसी रेट 96% है। कुवैत वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। अरबी कुवैत की सरकारी और कौमी जुबान है, जबकि दीगर ममालिक से कामकाज की गर्ज से आने वाले लोग अपनी जुबानों का इस्तेमाल भी करते हैं। कुवैत के लोगों की औसतन उम्र 78 साल है। कुवैत का कॉलिंग कोड +965 है। दोस्तों, ये थी कुवैत के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना हरगिज न भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।